हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है और ना ही कोई टाइम तय होता है। आइडिया और विजन है तो आप किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की। ओयो रूम्स के बारे में कौन नहीं जानता? आपने कई जगह ओयो रूम्स के जरिए होटल बुक किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इसके फाउंडर की कहानी सुनी है? कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया? इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। दोस्तों, पतले लंबे और बिखरे बालों वाले किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह दिखने वाले 25 साल के रितेश को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक नामी बिजनेसमैन है। लेकिन कभी कभी नॉर्मल से दिखने वाले लोग भी ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। रितेश ने 20 साल से भी कम उम्र में ओयो की शुरुआत कर बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ओयो का काम ट्रैवलर्स को सस्ते दामों पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ देश के बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना है। रितेश के पेरेंट्स चाहते थे कि वो IIT में एडमिशन ले और इंजीनियर बने। रितेश भी कोटा राजस्थान में रहकर IIT एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारियों में जुटे थे, पर अपने आइडियाज और विजन को पूरा होता देखने के लिए रितेश इंतजार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने IIT की तैयारी छोड़कर अपने बिजनेस की तैयारी शुरू कर दी। जब वो कोटा IIT की तैयारी करने पहुंचे, तो हर वीकेंड दिल्ली अपने उन दोस्तों से मिलने पहुंच जाते जो खुद का काम करते थे। दिल्ली आने जाने और बाकी चीजों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती। फैमिली को इन चीजों के बारे में पता ना चले, इसलिए वो सिम कार्ड बेचकर पैसों का जुगाड़ करते थे। एंटरप्रेन्योर बनने के जुनून में रितेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया, लेकिन बीच में उन्होंने स्टडी से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया और केवल 19 साल की एज में ही रितेश अग्रवाल महीनों घूमते और बजट होटल में रुकते ताकि वहाँ की तमाम चीजों के बारे में जान सके। उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए सस्ते होटलों के बुरे अनुभवों को अपने बिजनेस का रूप देने की सोचा। रितेश के मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा मॉडल बनाया जाए ताकि लोगों को रहने के लिए सस्ते में अच्छा होटल मिल जाए। इसी आइडिया के साथ रितेश ने उरावल स्टेज नाम की एक कंपनी खोली, जिसका गोल कम दामों पर कमरा उपलब्ध करवाना था। सबसे खास बात ये थी कि रूम कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकता था। कुछ दिनों तक वेबसाइट चलाने के बाद रितेश को लगा कि लोग शायद नाम के चलते वेबसाइट को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने साल 2013 में उसका नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। उनका आइडिया चल गया। फिलहाल इस टाइम ओयो के 23,000 से ज्यादा होटल और 46,000 से ज्यादा वेकेशन होम्स है। इस समय भारत में ओयो की संख्या बढ़ती जा रही है और देश के कस्टमर्स को भी ओयो की सर्विस काफी पसंद आ रही है। कंपनी की इस समय मौजूदा हिस्सेदारी 9-10% है, जो कि फ्यूचर में बढ़कर करीब 30% हो जाएगी। रितेश के ओयो रूम्स में सॉफ्ट बैंक ग्रुप, ग्रीन ऑक्स, सिकोया कैपिटल एंड लाइट स्प्रेड इंडिया जैसी कंपनी ने निवेश किया है। रितेश अग्रवाल को साल 2013 में थियल फेलोशिप के लिए 20 Under 20 के लिए चुना गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की CB Insights ने ओयो रूम्स को उन कंपनियों में रखा जो फ्यूचर में सक्सेस का परचम लहरा सकती है। हाल ही में ओयो ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कंपनी करीब $2 अरब यानी लगभग शुरुआती इन्वेस्टर से 14,000 करोड़ रुपए के शेयर बाई बैक करेगी। ओयो ये शेयर्स केमन आइलैंड रजिस्टर्ड कंपनी RA हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स के जरिए खरीदेगी। इस कदम के बाद कंपनी के हिस्सेदारी में लगभग 20% तक की बढ़ोतरी होगी। जब रितेश 17 साल के हुए, तब उन्होंने बेस्ट सेलिंग किताब लिखी। द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज नाम से उनकी किताब काफी पॉपुलर रही। ओयो रूम्स भारत से अब दुनिया के दूसरे देशों तक भी पहुंच गया है। स्टार्टअप के दौर में इस कंपनी को सफल बनाने का पूरा श्रेय रितेश को जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर effortlessGK को जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।